हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। का सारा काम भी हो गया है। मैं जा रही हूं अभी डुरंडा, देख सकते हैं मैं रेडी वगैरह हो गई हूं। डुरंडा जा रही हूं मैं बुक खरीदने के लिए। बुक बोले तो गेस पेपर निकलता है ना एग्जाम से पहले, वो वाला खरीदने। ऐसे मेरे पास किताब है लाइब्रेरी से जो ली हूँ वो, तो उसमें से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मैं भर कर ली हूँ। तो आया है कि नहीं मार्केट में मुझे ये भी नहीं पता है। तो आज मैं जा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम को अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है, तो मुझे लगता है अब तक तो आ जाना चाहिए। और मेरा तो मेडिएबल हिस्ट्री है, तो देखते हैं मेडिएबल का आया है कि नहीं। एसेंशियंट का आ गया था, मैं वहाँ पूछी थी दुकान में जहाँ से मैं हमेशा बुक लेती हूँ वहाँ, तो एसेंशियंट का आ गया था। तो मेरा तो मेडिएबल है, देखते हैं आया है कि नहीं वो। और आशीष को मैं घर में ही छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत धूप है। बुक दुकान तो मैं पहुँच गई और यहाँ देख सकते हैं ताला लॉक लगा हुआ है, और यहीं से मैं हमेशा लेती थी और यहाँ तो है नहीं। और इस नंबर पर मैं कॉल करी तो भैया बोल रहे हैं नहीं है मेडिएबल का बुक। हाँ वो चार को इधर धूप तरफ करना, जहाँ खाली जगह है ना, रेड रेड मिट्टी दिख रहा है वहाँ, अच्छा से नहीं गिरने जैसा। देखिएगा इस कितना सारा अचार मैं बनाई हूँ आम का। ये दो डब्बा, ये एक डब्बा, तीन डब्बा और वो दो, 5 डब्बा बनाई हूँ। बुक तो नहीं मिला लेकिन मैं एडमिट कार्ड लेके आ गई हूँ। कौन ये मिठाई? पापा हा? पापा नहीं खाया? नहीं, हमको लगा कि मोसा लाया है। मोसा थोड़ी पापा लाया था सुबह, मेरे जीजाजी ला दिए हैं आज इसके पापा। चलो चलो बाहर बाहर बैठो ना, बंद कर दो चीटी आएगा। हाँ बेटा बंद करो, पंखा को यहाँ लाओ ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। बोले बाबू अच्छा लगा? डुरंडा से आ चुकी हूँ रूम वापस, बुक मुझे नहीं मिला। 2-3 किताब दुकान में पूछी लेकिन सिर्फ स्कूल का मिल रहा था और कॉलेज का तो नहीं मिल रहा था किताब वगैरह। बोल रहे थे किताब दुकान वाले भैया की आपको अपर बाजार जाना पड़ेगा बोल कर, बहुत तेज धूप है। तो मैं नहीं गई और अकेले मुझे जाने का मन नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो शाम में शायद जाएंगे, फोन की थी मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारा लोड है, कल से भी ज़्यादा है बोल रहे हैं, तो अभी नहीं जा पाऊँगा, शाम में ले जाएंगे किताब खरीदने बोले। जा रहे हैं, कपड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कपड़ा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए गई थी डुरंडा तो बुक तो नहीं मिला, कम से कम एडमिट कार्ड लेके आ गई, वो भी ज़रूरी था। अभी बज रहे हैं शाम के 6, आप सबको गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग गाइस। और अभी हम लोग डिप्टी आए हुए हैं वही बुक की तलाश में ही, गैस पेपर का। मिल तो नहीं रहा है लेकिन मेरा एक दोस्त है ना, दोस्त बोल सकते हैं, भाई भी है, तो वो छपवाया है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें गैस करके छपा हुआ है, तो उसमें बहुत सारा इधर उधर पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए उससे मैं जेरोक्स लेने आई हूँ। वो छपवाया है तो उसी में से मैं जेरोक्स ले लूँगी सोच रही हूँ। इसलिए अभी फिलहाल हम लोग डिप्टी आए हुए हैं, वो इधर ही कहीं रहता है, रूम तो मैं नहीं देखी हूँ। तो वो बोला कि तुम लोग यहीं रुको, आ रहे हैं बोल करके। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं। ऐ कहाँ तरह ध्यान है, क्या देख रहे इतना जोर जोर से? क्या देख रहे मौसा का छुट्टी नहीं हुआ है ना? हाँ मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं हुआ है अभी, और भी बहुत सारा पार्सल है। तो देखते हैं, हम लोग इधर आए हुए हैं तो मेरे हस्बैंड से मिलने का कोशिश करेंगे ना बाबू, मौसा से मिलने का, कुछ कुछ खरीदने बोलेंगे खाने के लिए ना। संदीप लोग आ चुका है और ये देखिए गैस पेपर मुझे दे दिया है, मुझे यही चाहिए था। ये ज्ञान गंगा का है और इसमें गेस किया हुआ क्वेश्चन वगैरह है, इससे पढ़ने से थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें गेस किया हुआ क्वेश्चन है जो कि आ सकता है और आता है गाइस, गेस पेपर से मैच करता है क्वेश्चन। गेस पेपर को एक बार पूरा कंप्लीट रीड करने से एग्जाम में आंसर करने में दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए ये मुझे चाहिए था। जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ पर मोमो बिक रहा था, तो हम लोग चले गए मोमो खाने के लिए। और यहाँ आशीष खा रहे देख सकते हैं, और इधर में संदीप और उसके दोस्त वो लोग खा रहे हैं, दिख रहा है अभी मामू ना। थैंक यू, ओके जो वेट कर रहा हो, बाय। ठीक है, बाय बाय आशीष, बाय। रूम पे वापस आ चुके हैं, तो मैं ले ली हूँ और एक संदीप के पास है, वो पढ़ेगा, उसके बाद कल इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। जा रही हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है, आज मैं वीडियो एडिट करके अपलोड नहीं की हूँ, वही सब करती हूँ। और आज इस फोन में नहीं खेलना ठीक है, क्योंकि मेरा फोन का डेटा खत्म हो चुका है, उससे फोन से मैं हॉटस्पॉट लूंगी ठीक है। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अभी आप लोग मुझे तैयार होकर देख रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। मेरी जेठानी लोग का गृह प्रवेश है तो वहाँ जा रहे हैं, मेरी जेठानी जेठ जी लोग का पथल कुदुआ में,
तो हम लोग वहीं पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। चर्च तो हम लोग नहीं पहुंचाए क्योंकि मेरे हस्बैंड जी लेट से आए हुए हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, जबकि गलती उनका है, मैं बोली थी उनको जल्दी आने के लिए। दिखेंगे तो नहीं क्योंकि अंधकार हो चुका है। ये देखिए, गृह प्रवेश में क्या गिफ्ट लेके जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग डोरंडा से एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग ले लिए नेचर का, जो कि बहुत ही सुंदर था, मुझे और मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया। सॉरी कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि ये पैक हो चुका था। तो अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं जेठानी जी के घर। हम लोग के जाने तक सब लोग चले गए थे, कुछ थोड़े बहुत मेहमान ही थे, और जा करके सबसे पहले तो हम लोग खाना ही खाए क्योंकि दीदी लोग बोल रही थी कि खाना खा लो उसके बाद मिलना बोल करके, तो हम लोग खाना खा लिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे जा रहे हैं घर देखने के लिए कि कैसा घर बनाई है मेरी जेठानी बोल करके। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, बहुत ब्यूटीफुल सा घर है ये। फर्स्ट फ्लोर वाला गृह प्रवेश है, ग्राउंड फ्लोर में भी रूम वगैरह है जो कि रेंट में दिया हुआ है। तो गाइस, जेठानी जी का घर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और मैं प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कुछ रूम में बच्चे लोग सो रहे थे। और ये तो किचन है गाइस, मैं नल खोल करके देखी कि पानी आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा था गाइस। और किचन थोड़ा सा मेसी मेसी सा है, यहाँ सर प्रेयर वगैरह हुआ था और आशीष वगैरह छिड़काया हुआ था, तो यही सब यहाँ मांदर रखा हुआ था। तो मैं एक बार बजा रही थी कि कैसा बजता है। पूरा घर में घूम करके पूरा घर को अच्छे से निहार रहे थे और सब चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। सुंदर सुंदर पर्दा वगैरह लगा हुआ था, एकदम बहुत सुंदर लग रहा था। प्लस पूरा घर में टाइल्स लगा हुआ था, और टाइल्स तो आप लोग जानते हैं गाइस कितना अच्छा लगता है घर में टाइल्स लगा हुआ रहा, तो कितना साफ सुथरा, कितना क्लीन। और यहाँ मैं खुद को देख रही थी आईने में, लेकिन फ्लैश लाइट जलने की वजह से आप लोगों को मैं नहीं दिखी, पर मैं खुद को देख पा रही थी। ये मेरी जेठ सास है और इधर ये निधि है, लेकिन दिखी नहीं आप लोगों को ठीक से, मेरी जेठानी की बेटी। और ये तो आशीष, हम लोग घूम घूम करके पूरा घर को निहार रहे थे। पर्दा वगैरह ना बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर सुंदर पर्दा वगैरह लगा हुआ था। तो पूरा घर को देखने के बाद में हम लोग अब अपने घर की ओर जाते हैं, क्योंकि खाना वगैरह तो भरपेट खा लिए हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए, और यहाँ दरवाज़ा वगैरह को मैं छू करके देख रही हूँ। नया घर तो गाइस आप लोग जानते हैं बहुत सुंदर लगता है, और यहाँ एक खिड़की था वहाँ से मैं बाहर झाँक रही थी। अभी मेरी जेठ सास और निधि हम लोगों को नीचे तक छोड़ने जा रही है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने रूम। तो मिलते हैं गाइस आप लोगों से रूम पहुँचने के बाद में। गाइस रात के 12 बज रहे हैं और अभी हम लोग पार्टी से घर वापस आए हैं। देखिए गाइस, मेरी जेठानी इतना सारा डाल के भिजा दी है, चिकन वगैरह पनीर वगैरह मत भिजा दीजिए, बोल रहे हैं फिर भी भिजा दी है। कौन वाला? नहीं, उसको धोने में डालेंगे, पानी प्यास लग रहा है, ठंडा पानी, पानी तो नहीं भरे हैं, नहीं भरे हैं, नहीं हम ना शाम में भरेंगे भरेंगे बोले और नहीं भरे। आप लोग तो देख ही लिए, मेरी जेठानी का घर तो बहुत सुंदर है ना। हाँ, आप कब मेरे लिए घर बना रहे हैं? गांव में बना है, छोटा सा ही जगह था, उसी में इतना ब्यूटीफुल घर बना है। सब चीज एकदम बहुत अच्छा लगा, अभी तो नया है, एकदम टाइल्स वगैरह लगा हुआ है बहुत ज्यादा। वहाँ जब घुसे ना तो इतना सुकून सा फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी आप लोग वीडियो में देख ही लिए हैं मेरी जेठानी का घर कैसा है, पत्थल कुदवा वाली जेठानी का घर। गांव ही है ना पत्थल कुदवा? गांव ही है, पहले था अब गांव का। हाँ मतलब अब शहर बन गया है, लेकिन गांव ही ना है पत्थल कुदवा। दीदी लोग को फोन कर दीजिए कि हम लोग पहुंच गए हैं, बुला दीजिएगा। आशीष बहुत ज्यादा थक गया है, आते ही सो गया। बाबू अपना जगह में जाइए ना, जाइए। हेलो, हाँ चाचू पहुँच गए? हाँ पहुँच गए। ठीक है, था वही ना, इतना सारा डाल दी है, कोई खाने के लिए नहीं है, बोल रहे हैं फिर भी डाल दी। आप फिर लोग खाइएगा, इसको जोड़ी करते हैं। वैसे आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।